दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 15 to 16,000। पिछली बार हमने 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मिक्सचर होने वाला है, यानी आपको यहां पर थोड़े से 4G तो थोड़े से 5G स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको बड़ी रैम बड़ी स्टोरेज भी मिलने वाली है, सुपर एमोलेड की पैनल विथ 120Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, कैमराज के मामले में यहां पर आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन्स मिलने वाले हैं। रही बात परफॉर्मेंस की, तो आप सभी जानते हैं कि इस बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं मिलती। वैसे दोस्तों, हम यहाँ पर प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर कौन से फ़ोन के साथ में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हेल्पफुल भी होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम, गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात कर लेते हैं नंबर 4 की। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक ऐसा लौता स्मार्टफोन जो कि आपको यहाँ पर बड़ी फिजिकल रैम प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 11S। फोन के फीचर्स के बारे में, दोस्तों ये फोन आता है यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर, लेकिन आपको यहाँ पर TUV रिनलैंड सर्टिफाइड मिल जाएगा, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक मिल जाता है, हो सकता है कि आपको पसंद आए, हो सकता है कि ना भी पसंद आए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन का एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस XOS 10 पर, जहां पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स वगैरह मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहां पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस 50-50 मिलती है। तो बेसिक फीचर्स को यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 7 inches की डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पर आपको Full HD+ का रिजोल्यूशन और IPS LCD पैनल दी गई है। साथ ही में आपको यहाँ पर NEG डिनोलेक्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है और डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। गेमिंग की बात कर ले तो आपको यहाँ पर 120Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है, डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। कैमराज की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50MP का, 2 का मैक्रो और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ पंच होल कटआउट के साथ में आपको मिल जाता है 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का डिसेंट है और इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर अबो एवरेज मिलती है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक, और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल HD के ऊपर वाली रिकॉर्डिंग होती है, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G96 का चिपसेट। वैसे देखा जाए तो काफ़ी कैपेबल चिपसेट है, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है, लेकिन 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हल्की फुल्की हीटिंग की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आती है और बैटरी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। डे टू डे यूजेस और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर है। परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और इस फोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज भी लगी हुई है, जो कि आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड तो फास्ट देता ही है, साथ में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं, तो फोन के बैक साइड में 5000mAh की बैटरी आपको मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफ़ी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन के प्रोज की बात करें तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और स्टीरियो स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आपको स्मार्टफोन के एडवांटेजेस पसंद आए तो आप स्मार्टफोन को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं। 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपये, और साथ ही में 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपये। और दोस्तों, नंबर 3 पर हमने रखा है आप सभी के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि अभी तक यहाँ पर अनबीटेबल रहा है। और दोस्तों, ये फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिस वजह से हमने इसे नंबर 3 पर रखा हुआ है। ये फोन है यहाँ पर Redmi का Note 10 Pro। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। तो ये फोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलने वाली। और दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी आता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिज़ाइन की यार, तो डिज़ाइन के मामले में ये स्मार्टफोन A+ है, जहाँ पर आपको डिज़ाइन कितना अच्छा दिया गया है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है, फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाती है। और ये फोन आता है ट्रिपल गार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 12 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों MIUI 13 बग फ्री हो चुका है, आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफी कम मिलते हैं और एड्स वगैरह की शिकायतें भी उतनी नहीं आती हैं, तो ओवरऑल फोन का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये डिस्प्ले HDR 10 सर्टिफाइड है और इसके अलावा यहां पर आपको 1200 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में फोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ मिल जाती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का काफी अच्छा मिल जाता है और कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की काफी अच्छी है, आपको यहाँ पर इमेजेस काफी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से 30fps तक, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30fps तक। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, जो कि काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं और फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाती है। और गेमिंग की बात कर ले तो लगभग आपको यहां पर 300,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं, तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस में फोन में कोई भी शिकायत नहीं आती है। गेमिंग वगैरह भी आप यहां पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी देती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी और साथ में दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस, ये सभी काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिलते हैं और फालतू की नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा दोस्तों फोन काफी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए वैसे तो आपको देने पड़ेंगे 17,000 रुपये, लेकिन दोस्तों Amazon पर आपको यहाँ पर 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जिसको अप्लाई करने के बाद आप इसे 16,000 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए अब समय हो चुका है कि हम बात कर लें इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, और दोस्तों सेकेंड लास्ट है तो ये भी काफी धमाकेदार फोन होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर iQOO का Z6। उनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही दिया गया है, लेकिन TUV रिनलाइन सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन आपको कैसा दिया गया है। रही बात बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर आइदर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है और यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। तो ये तो हुए बेसिक फीचर्स, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहाँ पर डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास 2 का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही में आपको यहाँ पर लगभग 450 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का डिसेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से।
और भाई अगर बात कर ले फोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों काफी कैपेबल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग की दिक्कतें बहुत कम मिलती हैं और बैटरी एफिशिएंसी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात डे टू डे और गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। आपको यहाँ पर 5-लेयर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है गेमिंग वगैरह के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। और अंतत स्कोर की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 410,000 के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं। तो गेमिंग वगैरह इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और आपकी गेमिंग को और भी इनहेंस करने के लिए आपको UFS 2.1 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम में भी काफी मदद करता है। तो फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। फोन के पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप तो बहुत आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। और अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ प्रोस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिजाइन काफी अच्छा मिल रहा है, कैपेबल प्रोसेसर है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप के साथ साथ ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। रही बात फोन के कॉन्स की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम मिलती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 2 5G बैंड के साथ में आता है, तो देखा जाए तो फोन अच्छा है। अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए लेना चाहें तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। 4GB की फिजिकल और 4GB की वर्चुअल रैम के साथ में 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाती है, और ये फोन आपको मिलता है 15,499 रुपये की प्राइस पर। सो अगर आप चाहें तो इस फोन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई अगर बात करें यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली यहाँ पर धमाकेदार होना चाहिए। तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर Realme का 9 5G SE। चलिए देखते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, फोन का डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो आजकल के सभी स्मार्टफोन्स TUV रिनलाइन सर्टिफाइड होते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। हालांकि दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना होगा स्मार्टफोन, लेकिन फोन की बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात फोन के अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको यहाँ पर फोन के अंदर दिए गए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, इस स्मार्टफोन का ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों फोन के अंदर हमें यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, जबकि दोस्तों इस प्राइस पर यार लगभग सभी स्मार्टफोन्स के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर सब देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन का ये एक डिसएडवांटेज है। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 पर, जबकि दोस्तों Realme 9 Pro और 9 Pro Plus इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था Realme के UI 3.0 पर, यानी दोस्तों एंड्रॉइड 12 पर। लेकिन स्मार्टफोन के अंदर हमें मिलता है Realme का UI 2.0, तो थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो फोन का जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अब जानते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में। यहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी बात है कि यार इस बार Realme ने कंफर्म तो कर दिया कि हमें यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि लगभग आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की तरह मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन में शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मैक्सिमम 600 nits की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में भी आप यहाँ पर इस फोन को इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो इस बजट के अंदर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर 144Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है, जो कि इस स्मार्टफोन के अंदर दी गई है, तो ये स्मार्टफोन का एक और एडवांटेज है। हालांकि दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर 240Hz की ही मिलती है, तो देखा जाए तो और जो डिस्प्ले दी गई दोस्तों, ये आपको अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। दोस्तों इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है, और सामने की तरफ हमेशा की तरह आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप दोस्तों यहाँ पर एवरेज है, और यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी आपको एवरेज ही मिलती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर काफी रिसर्च और एनालाइज करके आप सभी के लिए स्मार्टफोन लेकर के आते हैं, हमने काफी सारे रिव्यूज देखे हैं, और वहां पर हमें यही पता चला है कि फोन का कैमरा यहाँ पर एवरेज परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के शौकीन है, तो आपके लिए यहाँ पर एक काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30 FPS तक बैक कैमरा से,
और सामने की तरफ दोस्तों आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 FPS तक। तो बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 778G का 5G चिपसेट, जो कि दोस्तों हमें नॉर्मली यहाँ पर 20,000 रुपए के ऊपर के बजट के अंदर ही मिलता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाती है, हीटिंग वगैरह की जो दिक्कतें हैं वो भी आपको यहाँ पर काफी कम मिलती, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दोस्तों कमाल की मिलती है, तो उसमें आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। गेमिंग के लिए दोस्तों यूजुअली Qualcomm Snapdragon 778G 5 लाख के आसपास के स्कोर करता है Antutu पर, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के जो स्कोर है वो आपको यहाँ पर 5,40,000 के आसपास के मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों काफी अच्छी होने वाली है, गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकेंगे। और हाँ दोस्तों, ये चिपसेट आपको वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग भी काफी अच्छी करा देगा, और दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर फोन में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज भी मिल जाती है, तो एप्स लोडिंग टाइम तो फास्ट होने वाली ही है, आपको यहाँ पर रीड और राइट की जो स्पीड है वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं। साथ ही में चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर 30 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। दोस्तों अब बारी है यहाँ पर फोन के कुछ प्रोस की। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 778G जैसा पावरफुल चिपसेट मिलने वाला है, फोन का बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, और फोन की डिस्प्ले और डिजाइन दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो 144Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर बैटरी की खपत थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों, फोन का जो कैमरा सेटअप है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, स्पेशली तौर पर रियर कैमरा साइड, लेकिन सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और वैसे अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हमें 11 से 12 5G बैंड का सपोर्ट मिलता था, और इस स्मार्टफोन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, जो कि मुझे यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज लगा स्मार्टफोन का, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हमें और भी 5G बैंड का सपोर्ट चाहिए होगा, और ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 5 ही 5G बैंड दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए या फिर आप यहाँ पर एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते थे Realme की तरफ से, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर से देख सकते हैं। वैसे तो ये फोन आपको मिलता है 20,000 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अभी स्मार्टफोन पर सेल चल रही है, जहां पर आपको HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आपने अपना स्मार्टफोन यहाँ पर एक्सचेंज किया तो आपको 1500 रुपए तक का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 16,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और इसे दोस्तों इस लिस्ट में रखने की वजह भी सिर्फ इतनी है कि हम आपको यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट डील बताना चाहते थे, सो अगर आप चाहें तो एक बार आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे वो टॉप 4 फोन जो कि आपको मिल जाते हैं 15,000 से 16,000 रुपए के बीच में। और हाँ दोस्तों, सभी काफी कमाल के फोन हैं, तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा पसंद आया वो मुझे आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।